क्या फंक्शन है और क्यों आए? ये विजय उत्सव है जो हमारे जो पिछले स्टूडेंट्स थे, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं एम्स में, नीट में, जी में, उनके सबके स्वागत के लिए है ये। इनके जो घर वाले हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमें तो है ना विश्वास ही नहीं होता था ये कुछ करेगा। बॉस बोल दिया करते थे कि हाँ तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। बॉस यानी कि जो शरवण जी जो डायरेक्टर है वो वहाँ पर अभी पूजा है, वो शरारत करती है कि सारे दिन पढ़ाई करती थी? पढ़ाई कर रहे थे सर। बेटा सिलेक्शन कराने के अंदर दादा दादी का कितना रोल रहा है? रोल तो है ही। क्या रोल है, कितना उन्होंने पढ़ के बताया आपको? पढ़ के थोड़ा ना बताया। अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, ये सारे सिलेक्टेड लोग हैं, तो इनका जो जो डेटा सैम्पलिंग है उससे आप भी समझ सकते हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इन इन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ये सक्सेस लेकर आती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ये खुद ही कह रहे हैं। सीकर में सीकर की कोचिंग बहुत ज़्यादा फेमस है और आज CLC के अंदर विजय उत्सव है, जैसा कि यहाँ पर दिख सकता है कि विजय उत्सव यहाँ पे लिखा हुआ है और हम ये देखने के लिए आए हैं। विजय उत्सव को आप समझिए कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक तरीके से एक सम्मान समारोह है जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम किस प्रकार से मनाया जाता है, उन बच्चों से भी बात करेंगे और ये प्रोग्राम जो है किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है इसके ऊपर हम नज़र बनाएंगे और हर एक डिटेल जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों का मनोबल है वो किस प्रकार से पूरे साल भर ऊंचा रह पाता है और वो सिलेक्शन जो हो जाता है बच्चे उसके बाद के अंदर उनकी क्या मनोस्थिति रहती है और आगे वाले जो बच्चे हैं उनसे क्या प्रेरणा ले पाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है। तो ये CLC का जो मेन कैंपस है उसकी ये बिल्डिंग है, ऊपर देखिए यहाँ पर CLC लिखा हुआ है, थोड़ी दूर वहाँ पर एक गेट बना रखा था एंट्री का और यहाँ से अंदर जब हम अभी घुसेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा पंडाल लगा रखा है। और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि सीकर की कोचिंग के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं, तो इतने सारे लोगों को बिठाने के लिए इतना बड़ा पंडाल की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं अंदर कैसा पंडाल है। तो देखिए ये पंडाल जो है और साथ ही के अंदर इसको आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। विजय उत्सव है, प्रतिभा सम्मान समारोह, नीट, एम्स, JEE 2019 पे चयनित, CLCN, यहाँ पे हम CLC के अंदर हैं, ये अपने बच्चों को CLCN कहते हैं, मेरे ख्याल में टीचर्स को भी कहते हैं, टीचर से भी हम थोड़े बात करेंगे और देखेंगे। और ये इसको कह रखा है विजय मंडप, इस जगह का नाम इन्होंने विजय मंडप का है। इस तरफ देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अभी रिसेंटली बनी है, कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले हैं। हम चरवण जी से जो इसके डायरेक्टर हैं उन्हीं से जानने की उनसे आपसे मिलवा के बताएंगे कि कितने टाइम हो गया है। और ये एक काफ़ी बड़ा जो है वो हॉल है और इस हॉल के अंदर सारे के सारे जो बच्चे हैं, देखिए गेट के ऊपर भी कुछ बच्चे खड़े हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे कहाँ के हैं। बेटा आप CLC के ही हैं? हाँ, हम CLC के ही हैं। अच्छा, तो आज जो जैसे यहाँ पर आके खड़े हो इतने बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में, क्या फंक्शन है और क्यों आए हो? ये विजय उत्सव है जो हमारे जो पिछले स्टूडेंट्स थे, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं एम्स में, नीट में, जी में, उनके सबके स्वागत के लिए है ये। और अभी जो है आप किसका स्वागत कर रहे हो यहाँ पे? पेरेंट्स का कर रहे हो, बच्चों का कर रहे हो? पेरेंट्स और बच्चे दोनों का स्वागत कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हम सबको तिलक कर रहे हैं एंड वो उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसा कैसा लग रहा है? जैसे अभी आप बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि आप पास आउट हो चुके हैं? अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और ये आपने खुद ने ये चुना था कि मैं मेरे को वहाँ पर है ना खड़े होना है, मुझे जो भी आएंगे उन सबको ग्रीट करना है, सबको तिलक लगाना है? हाँ, ये मैंने चुना था ताकि मैं उनको भी देख सकूँ कि उनके पेरेंट्स उनका स्वागत कर सकूँ कि इतनी अच्छी वो सिलेक्शन, उनके बच्चे, उनको कितना प्राउड फील हो रहा था कि मैं उनको फेस कर सकूँ। और अभी जब आप सिलेक्ट होंगे, आपके जो पेरेंट्स आएंगे, तो आपको आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि कोई दूसरे स्टूडेंट्स आपके जो जूनियर्स हैं वो यहाँ पर खड़े होंगे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, जो सिलेक्ट होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिले तो मैं बहुत खुश हूँ। मैडम आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अभी 5 साल हो गई। अच्छा अच्छा जी। और ये जो हर साल ये इतना ही बड़ा फंक्शन होता है? हर साल ही होता है, जैसे घर में से कोई शादी। एक बार पीछे देखिए, इधर इधर देखिए, उधर देखिए, पूरी पूरी टीम आ रही है, उधर उधर दिखाना एक बार, पूरी की पूरी टीम, ये जो श्रवण जी हैं वो पूरी की पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो जो पूरी की पूरी फैकल्टी है, ये इनका सभी का कंबाइंड एक एंट्री है। और अभी जो है ना अंदर से दिखाते हैं हम आपको कि अंदर भी किस तरीके का माहौल चल रहा है इस समय पंडाल के अंदर। इस समय जो ये सारे स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे बैठे हैं और ये एक अच्छा एक वो तरीका है
क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सिलेक्शन के लिए एक अच्छी टीचिंग, एक अच्छा माहौल की ज़रूरत होती है। और ये जितने भी ये जो पेरेंट्स हैं ये टीचर्स के लिए, ये देखिए खड़े हो गए हैं और ये एक तरीके से इनका एक सम्मान है कि हमारे बच्चे को आपने अभी सेलेक्ट करा दिया है और जो जिस काम के लिए हमने उसको भेजा था, सीकर जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम जो है वो पूरा कर दिया गया है और इसके लिए आपने हमें बुलाया है और हम जो है जो पेरेंट्स हैं वो खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत का एक फॉर्मल अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर स्वागतम प्रोग्राम, स्वागतम एक गीत है, उसको सीएलसी के जो बच्चे हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। खुद सीएलसी के ड्रेस के अंदर है, ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। आपने देखा है कि जो बाहर जो बच्चे खड़े हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े हैं, मगर अंदर जो हैं ये बच्चे देखिए सीएलसी के ड्रेस में, और ये स्वागत कर रहे हैं, उन पेरेंट्स का स्वागत कर रहे हैं जो पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों को यहाँ पर सम्मान समारोह को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत महत्व है एक स्टूडेंट की लाइफ में, इस चीज़ का बहुत महत्व है कि वो अपना किस तरीके से अपना जो ध्यान है वो एक जगह रखे, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने दे और वो एक अच्छे से पढ़ाई करे, मोटिवेशनल रहे, स्पिरिचुअल भी रहे साथ ही के अंदर, और अच्छे काम के लिए आगे वो प्रेरित रहे और वो जो आने वाली जो समय है उसके अंदर भी इस प्रकार के जो बच्चे आगे सेलेक्ट होके जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं चाहे इंजीनियर बनते हैं, वो अपने देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं, मानवता के लिए उनके दिल के अंदर जगह रहती है और उसकी शुरुआत ऐसे ही संस्थानों से होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ पेरेंट्स से भी बात करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स हैं वो उनके जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनसे बात करते हैं। बेटा आप सेलेक्टेड सिलेक्शन में हो आप? हाँ सर। अच्छा कौन सी नीट में हो? आईआईटी के अंदर। नीट में। और कहाँ से आप आते हो? जयपुर से। जयपुर से आए हुए हो। नाम बताइए। कृष्ण कुमार मीणा। कृष्ण कुमार मीणा। अच्छा ये आपके पेरेंट्स साथ के अंदर है? हाँ सर। तो ये आपने इनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो इनका रिएक्शन क्या था पहले? सर ये बहुत ही खुश हुई और मतलब बहुत खुश हुए थे। गांव के अंदर सबको बताया? हाँ सर। लो बात करते हैं माता जी से। माता जी बेटा जो है अब आपका डॉक्टर बन जासी? बड़ा बन जा तो बनावे खातिर तो पसरे जा। हाँ और हाँ। मतलब गांव के अंदर बाकी सगा बोलिया नहीं कि आपका बेटा जो है डॉक्टर बन जाएगा, हमारे गांव के लिए भी फायदा रहेगा? बहुत खुशी हुई सब। हाँ। तो जो रिश्तेदारी वगैरह वहाँ से फोन आए? रिश्तेदारी मन सब बहुत खुशी हुई रे भाई, बहुत बड़े गरीब आदमी को बच्चा लग जाए। तो यहाँ पर जैसे जो कोचिंग वगैरह के अंदर है ये एडमिशन कराना थोड़ा भारी नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे आप ऐसा कितने मतलब पैसे वैसे के हिसाब से ठीक है आप? हाँ। तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोचिंग के अंदर पढ़ा दें और फिर कैसे करें तो रुपए वैसे की अरेंजमेंट में? मैं तो मजदूरी कर रही, मजूर से मैं तो कहीं भी और कहीं भी लेना देना को नहीं, मजदूरी कर पढ़ाया जा। मजदूरी करके आपने पढ़ाया और अब आपका बेटा जो है वो डॉक्टर भी बनने वाला है। हाँ। आपसे ही बात करते हैं, आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल जी क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। और अभी आपका बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप जयपुर के पास में रहते हो, यहाँ पे सीकर के अंदर ही बच्चे को क्यों भेजा आपने कोचिंग कराने? अच्छा स्कूल है। तो आप मजदूरी करते हैं, आज आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ ये तो है ही। तो देखिए एक सक्सेस स्टोरी है यहाँ पर, सीकर की एक सक्सेस स्टोरी है। ये जो माता पिता हैं और इनके साथ के अंदर जो बच्चे बैठे हैं ये इस समय सेलेक्टेड हैं और जब ये डॉक्टर बनेंगे तो इनको कम से कम ये पता होगा कि उनके माँ बाप ने कितने मुश्किलों से उनको पढ़ाया है और सीकर यही सपने जो हैं वो साकार कर रहा है। गांव से, ढाणियों से बच्चे आ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे भी अब डॉक्टर बनेंगे और वो इतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उनको अंदर मन के अंदर एक भावना रहेगी कि किस प्रकार से जो है हमारे माँ बाप ने जो परेशान रहे थे, किस प्रकार से हमको पढ़ाया था, उसको हम आगे बढ़ाएं, अपने गांव का जो है, अपने ढाणी का जो है वो नाम रोशन करें। तो आप ये देखिए कि जो श्रवण जी है वो अलग अलग घूम रहे हैं, हालांकि उनके पास में माइक है, वायरलेस माइक है, मगर उनका ये एक लहजा है कि वो कहीं पर भी
जैसे घूमते हुए वो अनाउंसमेंट करते हैं, और इसी प्रकार से बच्चे भी ये बताते हैं कि जो श्रवण जी है वो मोटिवेशन करने के लिए कोई एक जगह नहीं बैठते, वो हर एक बच्चे के साथ में कनेक्ट कायम करते हैं, और ये जो कनेक्ट है उसकी वजह से बच्चे को एक पेरेंटल एक अटैचमेंट भी फीलिंग होती है, और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है हम जो है यहाँ पर ऐसे नहीं है कि हमें बस भेज दिया और उसके बाद के अंदर सिलेक्शन होगा तो नहीं होगा, हर एक बच्चे के साथ में कनेक्ट रहता है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और जो दूसरे जो यहाँ की फैकल्टीज़ भी हैं उनका कनेक्ट बच्चों के साथ में काफ़ी बेहतरीन है, जिसका एक यहाँ पर नमूना दिख रहा है। अंदर फंक्शन चल रहा है और बाहर से अभी भी जो मेहमानों का तांता है वो तांता जारी है, और इस समय तक कुर्सियां तो भरी जा चुकी हैं और बाहर से अलग अलग कुर्सियां मंगाई जा रही हैं, क्योंकि जितनों को भेजा था वो सभी के सभी तो आए हैं, और शायद वो और भी लोगों को लेकर आए हैं आस पड़ोस वालों को, जो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ की जो कोचिंग है, तो ये एक मौका है अपने रिश्तेदारों को भी साथ में लाने का। फिर से ऐसा इंतजार होगा, फिर से 10 साल बाद किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईआईटी, अच्छे सिविल सर्विसेज का ऑफिसर के इवेंट हो, और फिर कोई घड़ी वापस मांग के वहां से घड़ी खोल के लाओ, तो लगता है दोस्तों मजा की बात है। सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है, और माँ अपनी औलाद को हमेशा अपने सीने चिपके रखती है। दोस्तों ये एक माँ थी, एक माँ सॉरी है जिस जन्म दिया, जिसने आपको नाम दिया, ये सीएलसी माँ है जो आज आपको पहचान दे रही है, इसे दूसरी माँ आपकी है। दोस्तों अक्सर मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि विदेश में एक माँ होकर जन्म देने वाली, भारतों के पास 2 माँ है, भारत माता और जन्म देने माता, सीएलसी के पास सीएलसी 3 माँ है, जन्म देने वाली भारत माता एक हमारी सीएलसी माँ। दोस्तों बड़े प्यार से बोलते हम लोग जय सीएलसी, तो आप सबका सम्मान सबका विश्वास। लास्ट में 530 नंबर थे, बहुत परेशान था, सीएलसी के पास है, मैंने कहा फिर से लग जा, कुछ दिन हॉस्टल में रहा, बहुत मजा नहीं आ रहा है, फिर मैं रूम ले ले। आज आपने प्रिपरेशन की क्या स्कोर है? आज 619 नंबर के साथ डॉक्टर है जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो यहां बैठे हैं, आप एक बार सीएलसी की उंगली ईमानदार से पकड़े, अगले साल आप इस मंच पे होंगे, आप विजय मंच पे होंगे, आप सफल होंगे, आपके पिता भी इसी तरह से सम्मान पाएंगे। यहां पे जस्ट पंडाल के बाहर भी जो है, क्योंकि बाकी बच्चे हैं वो बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी डांगी है। और आप यहाँ पे अभी स्टूडेंट हो? हाँ। कितने पुराने स्टूडेंट हैं? अभी आए हैं जस्ट, हम 10-15 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जस्ट अभी सिलेक्टेड हो। अच्छा ये बताओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसा लगा है? यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ फुल डिसिप्लिन है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। सामने की तरफ जो हमारा पंडाल है, यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोच रहे हो? इस प्रोग्राम के बारे में हम यही सोच रहे हैं, इस बार इन बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो अगली बार हम लोगों को भी अवार्ड दिया जाएगा। मतलब ये देखिए, ये जो इसका मतलब ये है कि जो इनका जो ध्येय था वो पूरा हो चुका है, कि इन्होंने भी इसीलिए करा है कि आपको इंस्पिरेशन मिले, और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को भी अभी इस तरीके से मेरा नाम पुकारा जाएगा, मेरी मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, पापा को साफा बांधेंगे, मम्मी को चुनरी उड़ाई जाएगी और आपको घड़ी दी जाएगी। हाँ हमें भी ऐसे लग रहा है, खूब मोटिवेशन मिल रहा है हमें इससे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये नहीं लग रहा कि ये इतना एक साल का इंतजार क्या करना है, अभी कभी मिल जाए तो? ये ऐसा लग रहा है पर ऐसा हो नहीं सकता। बेटा आप कहाँ से आए हैं? मैं चूरू से हूँ। चूरू से? अच्छा, चूरू से यहाँ पे सीकर में इतनी दूर कैसे आना हुआ है? क्योंकि हमने सीएलसी का नाम सुना है कि वो बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। आपके कोई जो स्कूल वाले हैं वो उनमें से भी कोई सीएलसी में अभी यहाँ पर आके पढ़ के गया है? नहीं। और जैसे कैसे कैसे पता पड़ा, किसी ने आपको बताया, कोई वीडियो देखा, कैसे पता पड़ा? वीडियो भी देखा था और हमारे सर ने बताया था। चलिए देखिए, ये जो उधर भी दिखाना, इधर ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से यहाँ पर जो पंडाल है ये लगा हुआ है, और इस समय जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है पंडाल के अंदर, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो माता पिता के साथ में आ रहे हैं, और उस सबको देख कर, और ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन ले सकें, और साथ ही के अंदर जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनके माता पिता को भी पता लग सके कि क्या हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हमने माता पिताओं के ऐसों की बात कराई थी जो मजदूर क्लास से आते हैं, मगर फिर भी जब उनके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि अभी तक उनके बच्चों की क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई है, कितनी बड़ी बात हो गई है। क्योंकि गांव के अंदर इतना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, यहाँ पर आके पेरेंट्स ये फील कर पा रहे हैं कि उनके बेटे का, उनके बेटी का जो अचीवमेंट है वो कितना बड़ा है, उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उनसे जो जुड़ी हुई कहानियाँ हैं वो वहाँ पर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो बोल रहे हैं, वो उनको ये भी बता रहे हैं कि इस बच्चों की। और ये खास बात और है, अभी प्रोग्राम के दौरान में बीच के अंदर भी आप देखेंगे कि उनको हर एक बच्चे के बारे में पता है, उन्हें ये बात पता है कि वो बच्चा
किस प्रकार से था, उसके साथ में क्या समस्या आई थी, कहाँ पे उसने परेशान किया था, और अब वो जब वो निकल के जा रहा है तो वो कैसा फील कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक सेंटिमेंटल टाइप, एक भावनात्मक माहौल है। और ये बच्चे भी जो हैं, इधर मैं फिर से दिखाता हूँ इस तरफ कि ये बच्चे हैं, ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और ये कुछ वीडियोस जो हैं, ये भी लाइव भी चल रहा है प्रोग्राम, इनके लिए बाद में भी अवेलेबल भी होगा, ये इसको देखेंगे तो इनको भी ऐसा लगेगा। और ये जो एक ललक है, मतलब सिलेक्शन जब हो जाता है, चलो डॉक्टर बन जाते हैं एक दूर की बात है, मगर इमीडिएट जो उनको टारगेट दिखता है, ये वो टारगेट है। अभी तो काफ़ी बाकी है, अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पर अभी भी तांता जारी है, क्योंकि 700 लोगों को, 700 बच्चों को यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा, लंबा प्रोग्राम चलेगा। मगर साथी के अंदर बाहर क्या चल रहा है, अभी पंडाल के बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, आपको गाइड क्या सीख रहे हैं। जयपुर आपका घर है, ये गले में कई बार खड़ी पे और ठेले पे पुचके खाते हुए, बहुत बार इसके पुचके मैंने बीच में छुपा के इसको हॉस्पिटल भिजवाया है। मैं इसको बहुत शायद बुरा लगता था, लेकिन आज वो महावीर जी फोगाट की तरह हमारी तपस्या थी, गीता बबीता की तरह इनके नाम भी आज है मंच पे सम्मानित हो रहे हैं। एक बार ताले बजाए, यहाँ पे बैठ के मजा आ रहा है। और ये सारी की सारी स्टोरीज हैं, कैमरे में तो हमारे कैद नहीं हो रही, मगर सीएलसी के जो ऑफिशियल है उसके ऊपर जरूर आ रही होगी, और उसको आप देख सकते हैं कि हर एक की जो स्टोरी है वो चल रहा है। चेयर्स लगाई गई थी, अब और अगर चेयर लगाई गई तो घूमने फिरने की जो छोटी सी जगह बची है 2-3 फुट चौड़ी, वो भी खत्म हो जाएगी। ये इस समय माहौल हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे पंडाल है, अभी उस तरफ हम गए थे और इधर से घूम के हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे खड़े हैं, इनसे भी हम जान क्लास व्लास छोड़ के खड़े हो क्या? आज हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं क्योंकि आज विजय उत्सव है, इसलिए हमको भी ऐसे मोटिवेट मिले कि आगे अगले विजय उत्सव में हम भी यहाँ की जगह अंदर बैठे, बाहर ना खड़े। यहाँ पर जितनी जगह जो छाया है ना, वो सारी की सारी आप लोगों ने घेर रखी है, अब तो कोई जगह भी नहीं बची है, तो बच्चा तो धूप में खड़ा है। तो ये तो बात है सेल्स का विजय उत्सव, सेल्स के विजय उत्सव में हम भी ऐसे चाहे कि अगली बार हमारा भी नाम आना चाहिए, कुछ भी हो चाहिए। इतने फ्लुएंटली कैसे बोल रहे हो, कोई सिखा के भेजेगा किसी ने? सिखा के नहीं भेजा, यहाँ पे हम रोज असेंबली होती है, इसमें यही मिलता हमको कि आगे इनसे पूछते हैं। बेटा कहाँ से आए हो आप? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी से यहाँ पे आए हो, यहाँ पर मतलब ये धूप में क्यों खड़े हो? ये प्रोग्राम देखने के लिए, सम्मान से। प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ अच्छी लग रही है? सम्मान, टॉपर्स के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। मतलब मन कर रहा है कि है ना, मैं भी वहाँ पे बैठूँ, अपने मेरे मम्मी पापा के साथ में बैठूँ। यस सर, है ना? हाँ। और ये जो है पहली बार आप देख रहे हो, कि फ्रेशर हो आप, अभी एडमिशन हुआ है आपका? अभी हुआ है, 10th पास करिए। अच्छा 10th पास किया है आप तो, अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो बिल्कुल ही छोटे हो बेटा। आप केवीएम से हो, आप स्कूल से हैं, ये कोचिंग से नहीं है, जो कृष्णा विद्या मंदिर है केवीएम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th के अंदर हो। और यहाँ पर क्या देख रहे हो? प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम में क्या चल रहा है इस समय? विजय उत्सव। अच्छा मम्मी और पापा जो बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, बेटा क्या करना है, पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, क्या बोलते हैं वो? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, आप खुद भी यही चाहते हो डॉक्टर बनूं मैं, फुटबॉलर नहीं बनूं? डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बन के क्या करोगे? क्या बनो, क्या करोगे डॉक्टर बन के? अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। नाम रोशन करोगे, देखिए यहाँ अभी से है ना एक मोटिवेशनल लेवल है बच्चों के अंदर। सीएलसी कही हो आप? हाँ सर। ड्रेस कहाँ है? क्या ड्रेस? सर आज थोड़ी संडे था, धो दिया। संडे था, धो दिया है। और यहाँ पर उसके बाद में फिर संडे था तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर घूमो फिरो, गोलगप्पे खाओ, विजय उत्सव देख रहे हैं सर यहाँ पे। मतलब आपको पता है कि, और यहाँ पे बैठ के आपको क्या फील हो रहा है, मतलब क्यों बैठे हो? हम भी अगले साल ऐसा कर, अच्छा लग रहा है, मतलब यूँ देखना की है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका सिलेक्शन वगैरह। हाँ बिल्कुल सर। कहाँ से आए हो आप, कहाँ से बेटा? हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ पे, यहाँ तो हरियाणा से यहाँ पे आने की जगह तो आप जयपुर जा सकते, तो कोटा जा सकते थे, तो किसी से सुना और यहाँ पे अच्छा लगा, मतलब अच्छा है कोचिंग, अच्छा। कितना समय हो गया यहाँ पे आए? ये तीसरी साल है, मतलब फ्रेशर। अच्छा तीसरी साल, मतलब अच्छा। आप स्कूल के साथ के अंदर कोचिंग वाले हैं? पहले स्कूलिंग करी अब कोचिंग कर रहे हैं। हाँ तो अभी 3 साल हो गया यहाँ पे, मतलब मन वगैरह ठीक लग जाता है, ऐसा मन नहीं करता भागो यहाँ से, चलो हरियाणा चलते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है इधर, अब सिलेक्शन करा के जाएंगे हम। हाँ इधर। हाँ कौन से, नीट की कर रहे हो, आईटी की कर रहे हो? नीट की। बेटा आप किसकी कर रहे हो? सर मैं तो 9th में हूँ अभी। 9th में हो, और कुछ करने के लिए यहाँ पे क्या, नीट के लिए आए हो या फिर आईआईटी के लिए आगे प्रिपरेशन? नीट के लिए। खुद की आपकी मर्जी है कि आपके घर वालों ने बोल दिया भाई नीट ही कर? सर मेरी मर्जी है। खुद की मर्जी है, पक्का है क्या? यस सर। कैसे पता लगा? सर अब तो सर डॉक्टर बन के ही जाना है। बहुत अच्छे, कहाँ से हुए तो बताया नहीं? सर नागौर से। नागौर से आए हुए हैं, चलो एक और से पूछते हैं। बेटा आप आओ,
ये देखो ये भी है ना जो है ड्रेस धो के आए हैं और आज यहाँ पर ड्रेस धो के और यहाँ पर आए हुए हैं। ये कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के सारे के सारे क्यों बैठे हो यहाँ पे? ठंड है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस समय क्या फीलिंग क्या चल रही है अंदर जाते? चल रही है, हमारे बड़े बड़े भाई बहन सेलेक्ट हुए, अगले साल हमारा नंबर है। कहाँ से आए हुए आप? अलवर नीमराणा, ये 12th में हुई, 11th यहाँ की थी। तो देखो ये इस समय है ना अच्छा खासा धूप है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान में खड़े हैं, आप समझ सकते हैं। आज 23 तारीख है, 23 जून है। ये देखिए इधर भी काफ़ी सारे खड़े हैं, सब देख रहे हैं क्या प्रोग्राम चला हुआ है। मगर आप अगर पीछे की तरफ इनको देखते हैं तो ये जुटे हुए हैं, काफ़ी समय से जुटे हुए हैं। किसी और से भी हम बात करते हैं। दिनेश कुमार। और यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? हम तो यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी तो पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी जुनून के साथ। पढ़ाई से डिप्रेशन नहीं जाता कभी कभी यार? सारे दिन पढ़ाई। हम आर्मी पढ़ाई के लिए एक्साइटमेंट कर देते हैं पूरा। अच्छा, और यहाँ पे कोई फोर्स तो नहीं करता कि भाई पढ़ ले, कोई लठ लेके तो पीछे नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। अपनी मर्जी से पढ़ते हो? बिल्कुल। वगैरह होता तो कैसे क्लियर करते? डाउट सेंटर लगा रहते हैं शाम के टाइम, 4 घंटे के लिए डाउट काउंटर लगता है। जो बच्चे अंदर सिलेक्टेड है उनके अलावा भी यहाँ पर हर जगह यही का यही सीन नजर आता है। और ये इस तरफ देखिए बच्चों के जो चेहरे हैं, ये मतलब अंदर से जो बातें हैं वो सुन रहे हैं और साथ ही के अंदर वो खुश हो रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है अंदर से, ये देख सकते हैं बाहर से बैठे हुए। जिस माहौल को ये महसूस कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है। और कितने लोग हैं जयपुर से, वहाँ से यहाँ पे आए? जयपुर से 10-15 लोग और थे। 10-15 लोग और हैं वहाँ से, मगर ज्यादा सिलेक्शन तो यहीं से ही है। हाँ, ज्यादा सिलेक्शन यहीं से। तो बेटा कहाँ से हो आप? गंगानगर से। और जो आपका अभी कौन से में सिलेक्शन हुआ है, नीट में, आईआईटी में? नीट में। नीट के अंदर हुआ है आपको? जैसे गंगानगर से यहाँ पे आए हो आप, आपके साथ में और कौन आया है? मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भैया। कहाँ पे बैठे हैं वो? अलग जगह बैठे हैं? पूरी मम्मा। अच्छा, उधर बैठे हैं, क्योंकि अब देखे भीड़ तो थोड़ी सी बढ़ गई है। हम इनसे पूछते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई का जो यहाँ पे जो सिस्टम है, जैसे गंगानगर में भी बाकी बच्चों से बात करते हो तो यहाँ पे मतलब क्या अंतर आप मानते हो या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं? बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ होता है, मतलब व्यवस्था से होता है सब काम, तो उससे हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो वहाँ से वही क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ा यही रहता है कि गंगानगर से जब अपन को बाहर निकलना है तो गंगानगर से निकल के चूर भी जा सकते हैं, एक दो कोचिंग वहाँ पर भी है, गंगानगर के अंदर भी है, फिर निकले हैं तो सीकर के अंदर है, जयपुर में है, कोटा में है, दिल्ली में है। तो सीकर में आने के लिए क्या डिसीजन रहा, पेरेंट्स ने कहा था या आपने खुद ने कहा था? पेरेंट्स ने भी कहा था, मेरे भैया सिलेक्टेड है यहाँ से, सीएलसी से, और मतलब अच्छा सिस्टम है यहाँ का, डिसिप्लिन है, तो फिर यहाँ पे डिसिप्लिन है, जो हर एक बच्चा है वो डिसिप्लिन की बात कर रहा है। और साथ ही के अंदर सिलेक्शन हो गया था आपके घर से पहले भी एक सिलेक्शन? भाई का हो चुका है। तो जिनका जो सिलेक्शन हुआ है जहाँ पे वहाँ पे तो दोबारा से आना बनता ही है। इनसे ही पूछते हैं, आप कहाँ से बेटा? हनुमानगढ़ से। और आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपके और कितने जो फ्रेंड्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है? लगभग हमारे क्लास में 5-10 फ्रेंड का हुआ है, 7 वालों का। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे जो है एक बात है, जैसे डिसिप्लिन की सब बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन हाई है, तो यहाँ पे मतलब मस्ती मारने के लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिलता होगा? नहीं, डिसिप्लिन पूरा कैंप लगते हैं, तीनों टाइम पूरा डिसिप्लिन होता है, मस्ती कोई नहीं होती। और यहाँ पे अच्छा लगता है आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा समय अच्छा रहा आपके लिए? हाँ, पूरा सेमेस्टर अच्छा रहा मेरे लिए। और कोई एक ऐसी चीज़ जो है मतलब आप मानोगे कि जो सबसे अच्छी लगी हो यहाँ की, वो बताओ एक? यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी तरीके होते हैं, मतलब अपने को प्लान नहीं करना पड़ता, वो प्लानिंग करके देते हैं, अपने को फॉलो करना होता है बस। अच्छा, मतलब प्लानिंग जो है वो सबसे अच्छी बात है, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, किस डे करना है, वो टॉपिक पहले से डिसाइडेड पहले बता देते हैं, साल भर पहले बता देते हैं किस दिन कौन सा। हाँ, पहले बता देते हैं, शेड्यूल होता है इनका फिक्स, वो शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो होता है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता उसमें। ये आप क्या बोलते हो बेटा, कि ये एक फायदे की चीज़ है कि मतलब पहले से अगर बता देते हैं प्लानिंग के अंदर कि ये रहेगा? हाँ, जिससे हमें पता चलता रहेगा ना हमारा कब है, हमारा इससे इम्प्रूवमेंट होता है रिजल्ट का, हमें पता होगा तो। और जैसे मान लीजिए बीच के अंदर 2-3 दिन का भी ऐसा मौका आया कि जैसे 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए आप कभी यहाँ पे रह नहीं पाए हो? नहीं, मैं प्रॉपर ही मतलब यहीं रही हूँ पूरे, 2 बार छुट्टियों में। बीमार हो जाते हैं ना कभी कभी, क्लास नहीं अटेंड कर पाते वो कभी कभी, एक आधी बार हुआ है। तो वो फिर कैसे कवर अप कैसे होता है वो? वो कवर अप हमारे यहाँ पर वो टीचर्स बता देते हैं, शाम को क्लासेस वो लगती है, कैंप वो टीचर्स बताते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं, टीचर्स भी ध्यान रखते हैं कि इस बच्चे का ये 3 दिन या 4 दिन को कवर अप करना है इस तरीके से। हाँ, मतलब अगर होता है बच्चे को पूछना पड़ता है, ऐसे इतनी सारा है तो वैसे पूछेगा, वो बताएंगे पूरा आपको। देखिए ये भी एक जो है ना फैक्टर नज़र में आ रहा है, जिसकी हम बात शुरू से कर रहे थे, म्यूज़िक बहुत तेज है, मुझे खुद की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही,
मगर फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो प्लानिंग है पढ़ाई के साथ के अंदर, डिसिप्लिन और प्लानिंग, मोटिवेशनल, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं, जिनको हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। ये सारे सिलेक्टेड लोग हैं, तो इनका जो डेटा सैम्पलिंग है उससे आप भी समझ सकते हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इन इन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ये सक्सेस लेकर आती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ये खुद ही कह रहे हैं। मेरी पोती का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पोती का सिलेक्शन हुआ है, दादाजी से हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, दादाजी से बात कर रहे हो। तो ये मतलब जो आपकी पोती है, नाम क्या है उनका? पूजा कुमार। कहाँ से हैं ये? ये कालक गांव है, जोबनेर के पास में। जोबनेर के पास में, पश्चिम में है, 40 किलोमीटर पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए आपको किसने बताया था? उसके टीचरों ने बताया था कि आसपास से पता पड़ा था कि वहाँ बढ़िया। इसने 2 साल कोचिंग किया है सी एल सी जयपुर में उसने। अच्छा, जो जयपुर का जो इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे 2 साल कोचिंग किया इसने। अच्छा, जयपुर वाले के अंदर कोचिंग किया। जयपुर का कैंपस भी है सीएलसी का, वहाँ से सिलेक्टेड है ये। हाँ जी, वहाँ से। और गांव में और कितने, नीट में हुआ है, आईआईटी में हुआ है इसका? नीट में हुआ है, मेडिकल। मेडिकल में हुआ है, जॉबनेर के पास में गांव है, वहां से भी एक अब डॉक्टर बनने वाला है। तो वहाँ पे और जो रिश्तेदार है वो क्या कहते हैं? रिश्तेदार सभी वो देते हैं, मतलब अच्छी। तो वहाँ जोबनेर के पास में तो हम भी जाते हैं कई बार सवामणी करने का है। सवामणी हो गई? हाँ जी, हाँ जी, सवामणी बिल्कुल हो गई सर। आपका फोन नंबर दे जाइए, दिलाऊंगे। गांव के अंदर दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन सबका फोन आ गया कि भाई तेरी बाबा तेरी पोती को तो सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। और जो वहाँ पे और कितने बच्चों का आपके गांव से डॉक्टर? थोड़ा नजदीक में खेड़ावास है, वहाँ का भी एक बच्चा कुमाऊं के मतलब इसमें नीट में नंबर आया उसका भी। तो ये गांव में तो बड़ी बात हो जाती है, जैसे शहर के अंदर तो लोग जानते नहीं, गांव में तो हर कोई जानता है। गांव के सारे जानते हैं, आसपास के गांव के जानते हैं, फलाना के चोरी का हो गया। बिल्कुल बड़ी बात हो जाती है, पहचाने लगे हैं जब सेल्सी को पहचाने लगे। हम साधारण किसान है सर। अच्छा। भाई कभी उदास मत हो। दादी है क्या? दादी है। तो ये पूजा है वो शरारत करती है कि सारे दिन पढ़ाई करती थी? पढ़ाई कर रहे थे सर। पढ़ाई कर रहे थे। और जो मतलब आप क्या बोलते थे उसको कि ना पढ़ाई कर ले, डॉक्टर नहीं बन जा, और क्या क्या बोलते? नहीं, क्या कुछ जयपुर ही रहती है, कहीं कुछ नहीं बोल, माँ बोलती है। साथ ही रहते थे आप? अच्छा, आप साथ रहते थे? दादी ने माँ बोलता है, गाँव में माई बोलते हैं। हाँ, उनसे भी बात करते हैं, पूजा से भी बात करते हैं। बेटा, सिलेक्शन कराने के अंदर दादा दादी का कितना रोल रहा है? रोल तो है ही। वो तो क्या रोल है, कितना उन्होंने पढ़ के बताया आपको? पढ़ के थोड़ा बताया। गांव के अंदर बाकी सब बच्चे क्या कहते हैं कि सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, क्या बोलते हैं? तो अच्छी बात है कि नाम हो गया है। दूसरे भी बोलते होंगे ना, क्या पढ़ा था, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नोट्स थे, वो सब बात करते हैं। हाँ, बात तो करते ही, कौन से कोचिंग ज्वाइन किया, फिर इम्पोर्टेंट नोट्स है, हमको भी तो बताइए कुछ। सीएलसी सीधी इम्पोर्टेंट है, एक ही बात के अंदर पूरा फाइनल कर दिया है, सीएलसी इम्पोर्टेंट है। आप मैं मम्मी हूँ पूजा की। अच्छा, ये मम्मी है, देखे दादी से हमने बात करा दी, मम्मी से हम बात करा देते हैं। ये इसके बारे में बताए, बचपन के अंदर ये कैसे, क्या शरारत करा करती थी? ये बहुत कम शरारत करती थी और बेटों से। अब तो आप ऐसे बोलोगे ही? नहीं नहीं नहीं, वैसे भी नहीं है, नहीं मैं सही बोल रही हूँ, ये सबसे कम शरारत ये करती थी। देखो, माँ के लिए तो बच्चा जो होता है ना, वो शरारती भी सबसे बड़ा होता है और पढ़ने वाला भी सबसे बड़ा होता है। और ये भाई है? मैं MSc कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं, तो फिर जो आपके साथी हैं, जो आपके जो कलीग्स हैं, वो तो पार्टी वार्टी मांग रहे होंगे। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं पहले तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और सबको कड़ी मेहनत करने का संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, मेहनत करने का संदेश दे दिया और इनकी जो बहन है उनका सिलेक्शन हो गया। आप ही के बारे में बात चल रही थी, गोलगप्पे खाते हुए श्रवण जी पकड़ा करते थे जिसे? कई बार पकड़ा करते थे, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, काफी केयर करा करते थे कि मैच तो शरारती था। 10th क्लास में थोड़ा बिगड़ गया था, पापा ने कहा कि गोलगप्पे खाने से कोई बिगड़ता थोड़ा है। दोस्त ने काफी बिगड़ गया था, गोलगप्पे से पेट के लिए बिगड़ जा, मोटा हो जाएगा, सो जाएगा जाके। गोलगप्पे तो खाली होते हैं, कोई उसका वो मतलब दौड़ना होता है, खाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसे क्या करते कि तू खड़ा होगा, दोस्ती में होगा और तो दोस्त आएंगे, तू सीधे हॉस्टल। अच्छा, दोस्ती जो है वो गोलगप्पे खाने वालों से नहीं करनी है, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ेगा तो 4 दिन तेरी पढ़ाई खराब होगी। कई बार यहाँ से आते गाड़ी लेके, क्या किसी गाड़ी में बैठ, सीधे हॉस्टल छोड़ दिया करते। अच्छा, देखो यहाँ पे जो है ये एक सीकर के कोचिंग की खास बात है कि कहीं पर भी अगर बच्चा मिल जाता, पहचानते कैसे थे वो? टी शर्ट से पहचान? नहीं नहीं, सर्कल से पहचान, फेस रीडिंग कर लिया करते थे, उन्हें याद रहा करता ये बच्चा ये है, ये गोलगप्पे खाता होगा, जो जान लिया करते थे। तो देखिए, ये एक पर्सनल अटैचमेंट होता है और जो पर्सनल अटैचमेंट होता है उसी से पर्सनल मोटिवेशन, और वो एक स्टोरी है जिसको अभी आपने वहाँ पर देखा भी था
कि इनके जो घर वाले हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमें तो है ना विश्वास ही नहीं होता था ये कुछ करेगा। बिल्कुल घर वाले ऐसे कहा करते थे कि तू बस 12th में पास हुआ है ना और कुछ तरीके से सिलेक्शन ले लेना हो जाए तो। और ये खुद को लगता था कि मैं तो कुछ कर लूंगा, इनको घर वालों को पता नहीं है। 12th क्लास में से भरोसा हो गया था, हो जाएगा कुछ, खुद को खुद के ऊपर भरोसा था, हो गया था। देखो कोई घर वाले भरोसा करे या नहीं करे, मगर सबसे जरूरी क्या होता है, खुद का भरोसा। बॉस बोल दिया करते थे कि हाँ तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। हाँ बॉस यानी कि जो शरवण जी जो डायरेक्टर है वो वहाँ पर अभी लगे हुए हैं, देखना एक बार माइक उस तरफ दिखाना एक बार, वो वहाँ पर एक दूसरी स्टोरी के ऊपर बता रहे हैं। मगर उन्होंने खुद ने ये बोला है कि ये जो स्टोरी है जो हमारे साथ के अंदर जो बच्चे खड़े हैं, इनको कई बार वो पकड़ के ले आया करते थे, गोलगप्पे खाने से लेके आया करते थे, पेट खराब नहीं हो जाए, ताकि अब तो सेलेक्ट हो गए, सबसे पहले उसी गोलगप्पे वाले के पास जाऊंगा और सारे के सारे खाऊंगा। कई बार मन करता है अब तो बस सब सही है। चलो बहुत खुश है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आते रहना, दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। अब एक बार सबसे निवेदन है देखिए, ये मेडल्स हैं, ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी के गले का, किसी विजयी बच्चे के गले का, जिसके अंदर ये आने वाले हैं। ये मोनिका मीणा हैं, AIR, इनके जो पूरे के पूरे रैंक्स वगैरह सब लिखे गए हैं। अभी बच्चे आएंगे और ये जिस तरीके से देख सकते हैं, आधा प्रोग्राम जा चुका है, उसके बाद में भी ये सारे के सारे जो सेलेक्टेड बच्चों के ये मेडल्स हैं, ये सारे के सारे तैयार होकर अभी बैठे हैं यहाँ पर, तैयार खड़े हैं, इन सभी बच्चों को दिया जाएगा। और ये एक साथ में आप देख सकते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हर एक के ऊपर, ये देखिए विनर्स अवार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, विजय उत्सव सब कुछ दिखा रखा है कि प्राउड मोमेंट है ये। और ये जो हर एक के घर की एक शान बढ़ाएगा, अच्छे जो हैं सिलेक्शन सक्सेस रेट है यहाँ पर, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है मगर जो सिलेक्शन रेट है वो ज़्यादा मैटर करती है, और उनका जो शुरुआत है वो ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट से हुई होगी। तो देखिए सुबह से लेकर और शाम हो गई है, सब घर चले गए हैं, मगर एक आदमी सुबह यहाँ पर चढ़ा था और शाम तक अभी तक इस गर्मी के बावजूद यहाँ पर है। शरवण जी, आपकी जो काफ़ी सारी कहानियाँ थी हमने कई सारे बच्चों से सुनी, उनके माता पिताओं से सुनी, अंदर जा जा के अलग अलग से हमने बात की। अच्छा, ये कर रहे थे क्या? बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि हम असली स्टोरीज से देख रहे थे। आप ये बताइए, पहली बात तो आपको थकान नहीं होती क्या? ना, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कहाँ आपके साथ कहाँ थक रहा हूँ? नहीं, हम तो थके भी हैं और पानी भी पिया है, हमने रेस्ट किया है बीच के अंदर, हमने दो चाय पी, मंच पे आपके सामने पिए, मैं थकता नहीं, क्योंकि ये इन बच्चों के प्यार, देखो ये कोई महसूस नहीं कर सकता, ये तो खुद ही महसूस कर सकता है। जैसे माँ है ना, बच्चे से कितना प्यार करती है, केवल माँ जानती है, पिता भी नहीं जान सकता। बीच के अंदर आपने हर एक की स्टोरी बताई बच्चों से, हाँ। कोई गोलगप्पे खाते जा रहा था, उसको पकड़ा था, आपने यहाँ बताई, हमने उनसे बाद में जाके बात करी थी, इसके अंदर वीडियो के अंदर हाँ। भी आएगी। हर एक बच्चे के ऊपर इतना इंडिविजुअल अटेंशन है, जो देखो जो संभावना है ऊपर, उसके ऊपर जारी। साहब आप एक बात देखो, 23 साल पहले बीज बोया था ना, तो व्यवसाय तो नहीं हो सकता था ना, हो सकता आज लोग व्यवसाय कर दें। मेरा नशा था एक कि गाँव के छोरों कुछ किया जाए, आज भी डायलॉग हुई गांव, मतलब एवरेज परिवार, अपन जैसे जो मिडिल क्लास परिवार, उन लोगों से किया जाए, तो ये नशा है। और नशा भाई, ये मेरा का नशा है, उतर नहीं सकता। पीछे वाली सीट के ऊपर एक मजदूर के पेरेंट्स आए हुए थे और वो बहुत ही खुश हो रहे थे, और उनको ये पता भी नहीं था कि उनके बच्चे का अचीवमेंट क्या है। यहाँ पर आके उन्होंने देखा तो ये इसको देख कर उनको बता पड़ा कि अचीवमेंट क्या है। तो उनको पहली बार उनको ये पता था कि कुछ हुआ है, उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मगर ये जो आपने उनको मतलब एक एहसास कराया है, ये आपने अपनी तरफ से सोच रखा था, ये अपने ऑटोमेटिक हो गया है, अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है सब बाई चांस। मतलब एक सुबह उठते हैं भाई, मैं सिंपल बताऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं दिमाग ना तो मेरे पास है ना मैं लगाता, मेरा सारा काम दिल से होता है। और ये नाथ जी का, रतिनाथ जी का, या 5 घंटे बैठ के जाना, आप शेखावटी के आदमी हो, रतिनाथ जी के 5 घंटे बैठते हैं वो संत, तो ये ईश्वर खुद आके बैठे। तो फिर अगले साल के लिए हम बिल्कुल तैयार रहे यहाँ पर। हाँ। ये जो पंडाल है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे खचाखच भर गया था, कोई जगह नहीं बच रही थी। नहीं, मैं आपको बताऊँ छोटे भाई कि ये वही लोग थे जिसका बच्चा इस साल सिलेक्ट हुआ है, इसके अलावा कोई गार्जियन नहीं थे, वो बच्चे और उन बच्चों के गार्जियन थे। रेगुलर बच्चा था ही नहीं मेरा, रेगुलर गार्जियन था ही नहीं मेरा। मगर इसका मतलब तो वही हो गया ना कि अब तो जगह तो खत्म ही हो गई यहाँ पर। अब तो अगली बार फिर गोरिया में करेंगे, अपने गोरिया में अपने CLC का लैंड है, तो अगले साल तक वहाँ से काम भी शुरू हो जाएगा, वहाँ एक नई दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, बाकी तो नाथ जी और बाबा जाएं तो वहाँ करेंगे फंक्शन। तो शरवण जी, ये आपका विजय उत्सव जरूर था, मगर हम आपसे ये चाहते हैं कि इसको हमारे सीकर के विजय उत्सव का नाम भी आप एक बार दे दीजिए। बिल्कुल, ये सीकर का विजय उत्सव है, यह सबका, सीकर का, सबके, मेरे अपनों का विजय उत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये जो विजय उत्सव है, ये जो इंसान आपके सामने खड़े हैं, इनकी वजह से है। हालांकि कहने को सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री का विजय उत्सव है, मगर सीकर की जो पहचान है उसको कोचिंग के जरिए पूरे देश के अंदर फैलाने का काम इन्होंने किया है। इनसे मिलकर हमें जो अनुभूति हो रही है, आपका भी जब भी यहाँ पर
काम पड़ेगा तो आप इनसे आके जरूर मिलिएगा। आपने समय दिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये एक मेमोरेबल इवेंट था जिसको हमें करके इतनी खुशी मिल रही है जितनी किसी राजनीतिक पार्टी में किसी रैली को देखकर शायद मिलती होगी, मगर उससे भी ज़्यादा खुशी एक सेटिस्फैक्शन जो है किसी के लिए भी, किसी के हाथ में भी माइक हो, जिसके सामने कैमरा हो, उसको जो मिल सकती है सेटिस्फैक्शन, उसकी अनुभूति आज हमने की है। क्योंकि हमारा शहर है, उसके सामने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हम दे पाए, दिखा पाए, और आपने भी उनको महसूस किया। इसी के साथ में आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।